हेलो दोस्तों, अगर आपको भी ओके क्रेडिट यूज नहीं करना आता है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से इस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बताने वाले हैं। इस एप्लीकेशन में होता क्या है कि अगर आप लोग कोई भी उधार लेन देन करते हो ना, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है। ये सब कुछ यहाँ पर कुछ भी पेन कॉपी की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को लिखना है जितने रुपये उसके आए हैं, जितने उसे दिए हैं, सब कुछ यहाँ पर डिटेल से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेना है, प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहाँ से जाके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको जो भी यहाँ पर लैंग्वेज चाहिए वो यहाँ पर आप लोग चूज कर सकते हो। मैं यहाँ से इंग्लिश कर लेता हूँ। और ये आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको अपने टैप करना है, तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल नंबर लगा देता हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ पर लगाने के बाद ओटीपी आएगी, ओटीपी आने के बाद यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको आगे की ओर अपने आप यहाँ पर लेके जाएगा, और यहाँ से ये ओटीपी आ गई है और ये सबमिट भी हो गई है। आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस होता है, और यहाँ से ये नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा, और यहाँ से आप लोगों को ये अकाउंट यहाँ पर बन गया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख ही पा रहे होंगे ये सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसमें आपका यहाँ पर अकाउंट वगैरह बताएगा। उसके बाद ये हेल्प वगैरह है, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपके पास ये दो ट्रांजेक्शन आपके नहीं आएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर पुराना अकाउंट है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ से आपको ऐड कस्टमर आएगा ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड कस्टमर पर आपको क्लिक करते ही यहाँ पर अगर आपके फ़ोन नंबर में अगर फ़ोन नंबर है उसके आपके सेव, तो वो यूज कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर ऐड बाई योर सेल्फ यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जो भी आपका यहाँ पर कस्टमर का नाम है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नाम दे देता हूँ, उसके बाद उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, तो यहाँ से मोबाइल नंबर भी डाल दिए हैं, और आगे कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है, और ये उसका यहाँ पर खाता बनकर तैयार हो गया है। एक प्रकार से ये खाता ही है। ठीक है दोस्तों, ये एकदम टेक्निकल खाता है, ऑनलाइन खाता है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको रिसीव वाले ऑप्शन पर अगर आपके पास पेमेंट आया है उसका, पहले से आया है, पहले से तो नहीं आएगा, ठीक है, गिवन आएगा पहले आपको, तो यहाँ पर गिवन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको जैसे कि उधार की मैंने 500 रुपये की, और यहाँ से आपको नोट क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, जैसे कि सब्जी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको ये लिखना है, और एड बिल की यहाँ पर आपको फ़ोटो यहाँ पर खींच के रख सकते हो, और यहाँ पर डेट वगैरह भी यहाँ पर चूज कर सकते हो, जो भी आपकी यहाँ पर डेट वगैरह है। उसके बाद यहाँ पर सही पर आपको निशान करना है, और यहाँ से आपको उसके पास यहाँ पर मैसेज भी जाएगा याद करवाने के लिए कि यहाँ पर उसके उधार यहाँ पर खाता है। अगर आप यहाँ पर कट करोगे तो यहाँ से उसके पास मैसेज नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है, तो यहाँ से आप लोग देख ही पा रहे होंगे बैलेंस ड्यू यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर आपके पास उससे अगर पैसे रिसीव हो जाए, तो फिर आप यहाँ से आपको 500 रुपये या फिर जैसे कि यहाँ पर मेरे पास उसके 450 रुपये आए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और सही पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से मेरे पास 450 ही आए, तो यहाँ से हम लोग 50 रुपये उससे और मांगते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर 50 रुपये और मांगते हैं, यहाँ पर साफ लोग दिखाई रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आपको बिल का यहाँ पर जो ये ऊपरी ऊपर है ये डाउनलोड भी यहाँ पर कर सकती हो, जैसे कि किसी को भेजना है ना, तो यहाँ से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके यहाँ से आप शेयरिंग भी कर सकती हो, या फिर शेयर व्हाट्सअप सीधा भी यहाँ पर कर सकती हो। यहाँ से डाउनलोड हो गया है, रिसीव देयर पेमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे की नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। इसके बाद अगर आप किसी से आप मान लेते हो, तो यहाँ से एड सप्लायर करोगे, उसके बाद उसका यहाँ पर जो भी यहाँ पर नंबर वगैरह वो डालोगे, उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर क्रेडिट और पेमेंट, पेमेंट क्रेडिट मतलब आपको कितना यहाँ पर माल लिया है, जैसे कि मैंने 5,000 का माल लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बिल वगैरह आपको लगा देना है, और आपने पेमेंट कितने की पेमेंट पर क्लिक करना है, और जैसे कि मैंने 4500 रुपये यहाँ पर पेमेंट कर दी है, और यहाँ से 4500 हो गए हैं। उसके बाद यहाँ से आपको देख ही पा रहे होंगे 500 रुपये हमें उनको और देना है, बस इतना सा यहाँ पर काम है, और वो झंझट नहीं है यहाँ पर कि अकाउंट डिलीट हो गया,
अकाउंट डिलीट किसी भी आप मोबाइल में चला सकते हो, उस मोबाइल नंबर होना चाहिए बस, वो आपको यहाँ पर कभी भी किसी भी समय लॉगिन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना।